दोस्तों सबसे अच्छी बात इस बिजनेस मॉडल की, यहां पर 95% लोग सफल हुए हैं। क्यों सफल हुए हैं, वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों ये जो बिजनेस है वो लोगों की जरूरत पे चलता है। जितना अच्छा जितना शुद्ध आप ये प्रोडक्ट लोगों को देंगे, उतना ही व्यापार आपका दिन दुगनी रात चौगुनी करेगा। दोस्तों सफलता के लिए आपको पिछवाड़े में आग लगानी पड़ेगी, क्योंकि कामयाब वही हुआ है या तो जिसके स्वभाव में था या जो अभाव में था। आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप ये सेटअप लगा के 10 से 15 तरह के बिजनेस कर पाएंगे, और उसकी डिमांड जो 100 साल पहले थी आज भी वही है, और आने वाले 100 साल के बाद भी वही डिमांड होने वाली है। हम सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि मोटिवेशन से काम करने की ऊर्जा पैदा होती है, मगर सफलता तो आपको आपका डिसिप्लिन ही दिलाएगा। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जिसके एक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसकी भारत में आज के टाइम में $22 मिलियन की मार्केट है, और यह सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की बात की है। ऐसे 15 तरह के और इसमें प्रोडक्ट हैं। चलता क्यों है, क्योंकि कोरोना के बाद जो है ज्यादातर लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है सबसे बड़ा धन जो है वो अपना स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। खाने से रिलेटेड ये चीज़ होने वाली है, कौन कौन कर सकता है। सबसे अच्छी बात, कोई महिला भी इस मशीन को चला पाएगी, कोई पुरुष भी इसको चला पाएगा। आप अपने घर से एक सेटअप लगा सकते हैं, आपको एक फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, इसमें दो तरीके से या तीन तरीके से इनकम हो सकती है। पहला तो लोग आपके पास सीड लेके आएंगे, उसे आप करके देंगे, उससे भी कमाई होगी, या फिर अपना खुद का प्रोडक्ट बनाकर ब्रांडिंग कर दीजिए, उससे भी आपको इनकम हो जाएगी। तीसरा जो इसका वेस्टेज है, अगर आपके पास डायरी है तो आप उसे खिला सकते हैं, या फिर उसे भी आप किसानों को बेचकर मुनाफा कमा पाएंगे। वीडियो के अंदर हर एक चीज़ पूछने की कोशिश करूंगा, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। अगर इसकी बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस में क्या दिक्कत आ सकती है, कैसे साफ़ किया जाएगा, कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे। और उसके बाद वीडियो देखने के बाद आपका एक काम और रहता है जो कि आप कभी नहीं करते हैं, रिसर्च। रिसर्च जरूर करें अपने आसपास के एरिया में कि इसकी डिमांड कितनी है, कंपनी विजिट करें, पूरा डेमो देखें, उसके बाद आप आगे का कदम बढ़ाएं। क्योंकि किसी भी काम के अंदर 70% जो है वो रिसर्च होती है, 30% तो बाकी बचता है पैसा लगाना और सेटअप लगाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके मैं श्रीनाथ जी को इनवाइट करता हूं, जो कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और शानदार वीडियो को शूट करने के लिए महाराष्ट्र सांगली में हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम आपको मशीन का डेमो दिखाते हैं। सबसे पहले आपको नोजल कैसे क्लीन करना है वो दिखाते हैं। पहले ये सेंसर वायर को हटाना है, उसके बाद ये लूज करके लेना है, ये बाहर निकलता है, ठीक है। ये मशीन का हीटर है, ओके। उसके बाद ये लॉक पिन है, ये बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद ये ब्रश आता है मशीन के साथ, इससे आपको अंदर से पूरा क्लीन करके लेना है, और इसको जो है पानी से वॉश करके लेना है, ये और ये पार्ट को बस क्लीनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ही आपको पानी से क्लीनिंग प्रोसेस इसलिए बताया क्योंकि इस मशीन के द्वारा 10 से 15 तरह के जो है आपके प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट बनाने के बाद जब दूसरा प्रोडक्ट डालेंगे तो क्लीनिंग जरूरी है। आपने देखा होगा एक मिनट के टाइम के अंदर ये सारी क्लीनिंग हो गई है। वापस वही इस तरीके से डाल के पिन लगा देंगे और अपना जो सेंसर है उसे लगा दिया जाएगा। ये जब सेंसर वायर लगाते हैं तो इसको अंदर आपको ये करना है, फिट करना है। उसके बाद आपको ये स्क्रू को टाइट करना है। अभी हम ये पिन जोड़ेंगे, हीटर का पिन है। ये जो मशीन का कैपेसिटी है वो 40 kg/h है, रॉ मटेरियल कैपेसिटी है। इसमें हमने नोजल का ऑप्शन छोड़ रखा है, इसका आप फ्यूचर में कैपेसिटी 80 kg तक कर सकते हो। अभी आप 4 नोजल देख रहे हो, यहाँ यहाँ दो पीछे और दो पीछे, आप ऐड करके इसका कैपेसिटी 80 kg तक कर सकते हो, ठीक है। ये मशीन में आप एक साथ दो प्रोडक्ट बना सकते हो, एक इस साइड और एक इस साइड। ये जो मशीन है ये 3-phase मशीन है। अभी हम आपको इसको स्टार्ट कैसे करना है वो इसमें दिखाते हैं। सबसे पहले जब आप इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देते हो तब आपको ये रेड बटन चालू करना है। रेड बटन चालू करने के बाद यहाँ आपको डिस्प्ले आएगा, ये डिस्प्ले पे आप जो मशीन का हीटर रहता है उसका टेम्परेचर इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये बटन दबाने से कम हो जाएगा और ये वाला दबाने से बढ़ जाएगा, ठीक है। कौन से सीड को कितना टेम्परेचर देना है वो सब चार्ट आपको मशीन के मैनुअल में आ जाता है मशीन के साथ, ओके।
इसका टेम्परेचर मतलब हीटर ऑन किया है, इसको हीट होने में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मशीन हम ऑन करेंगे और उसमें आपको डेमो दिखाएंगे। ओके, इस मशीन के द्वारा किस तरह का काम किया जा सकता है, क्या मशीन का नाम है सर? ये ऑयल प्रेस मशीन है, इसमें आप सभी प्रकार के ऑयल निकाल सकते हो, मूंगफली है, सरसों है, तिल है, सनफ्लावर है, कोकोनट है, अलसी है, जीरा है, लौंग है, कैस्टर है, सब है। तरह का ऑयल निकाल सकते हो, ठीक है। और अभी हम जो डेमो देखेंगे वो किस ऑयल का देखेंगे सर? अभी हम इसमें आपको मूंगफली का और सरसों का डेमो दिखाएंगे, ठीक है। और एक साथ आप दोनों की लगा सकते हैं, एक साइड सरसों, एक साइड मूंगफली, दोनों साइड जो भी आप, एक साथ, हाँ दोनों आप निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं डेमो, अभी हम आपको मूंगफली का डेमो दिखाते हैं। अभी हम इसमें मूंगफली में मॉइस्चर अभी बारिश के दिनों में ज़्यादा रहता है, इसलिए हम आपको इसमें रोस्टर में थोड़ा सा गर्म करके दिखाते हैं। अच्छा, ये आपने रोस्टर लगा रखा है, ताकि अगर कोई नमी है किसी सीड में तो इससे रोस्टिंग भी हो जाएगा। उसकी अभी हम इसको चालू करेंगे, ठीक है। अभी ये चालू करेंगे, अभी ये चालू हो गया, इधर आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। ये जो डिस्प्ले है, ये रोस्टर में जो कॉइल रहते हैं ना, उसका ये डिस्प्ले है, ठीक है। इधर हमने 100 सेट किया है, ठीक है, ठीक है, डालिए। उसके बाद ये जो बटन है ब्लैक वाला, इसमें अंदर एक ब्लेड लगा रहता है, वो घूम जाता है और वो इक्वली सब रोस्ट कर देता है, ठीक है। अभी ये वो चालू किया, उसको भी बंद कर दीजिए सर। अभी हमने इसमें जो मूंगफली रोस्ट के लिए डाला है, अभी हम दिखाते हैं आपको। अभी हम मशीन स्टार्ट करेंगे। ये जो ब्लैक स्विच है, ये जो नोजल है ना, उसका फॉरवर्ड और रिवर्स का स्विच है ये। ये वेस्टेज बाहर आना स्टार्ट हो गया, हाँ। और ये ऑयल आना स्टार्ट हो गया। और ये वेस्टेज भी आप एनिमल फीड में यूज ले सकते हैं, आपकी डायरी है या इसका भी प्रोडक्ट बना सकते हैं आप, और वो आपका शुद्ध ऑयल आप बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक। आप इसमें देख सकते हो कुछ भी ऑयल नहीं बचा है, पूरा ड्राई निकल गया बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हो, ये मूंगफली का खलिया आ गया बाहर। आप ये गाय भैंस जानवर को खिला सकते हो, और इससे आप मूंगफली का चटनी, लड्डू, चिक्की भी बना सकते हो। अभी हम आपको सरसों का डेमो दिखाते हैं। सरसों में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं, इसलिए हमने रोस्टर में नहीं डाला है, अभी हम इधर डायरेक्ट हॉपर में डाल के आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये सरसों का खली, इसमें भी कुछ ऑयल नहीं बचता है, और एनिमल फीड में काम आ जाएगा ये आपको एनिमल फीड में काम आ जाएगा। ये 25 से 30 रुपए मार्केट में जाता है, ठीक है। फिल्टर होने के बाद आपको ऑयल ऐसा दिखेगा, बिना फिल्टर के आप ऐसा दिख सकते हो, इसमें गाद नीचे बैठा है और ये ऊपर ऑयल आप देख सकते हो। फिल्टर होने के बाद ये आपको ऐसा दिखेगा। सर कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि इस मशीन से अगर आप ऑयल निकाल के डायरेक्ट बोतल में डाल देंगे तो इस तरीके की क्वालिटी आएगी आपकी, बट उसके बाद एक प्रोसेस और बचता है, जो इससे ऑयल निकलेगा, यहाँ पर एक फिल्टर रखा हुआ है, इस फिल्टर प्रोसेस से आपको इसको गुजारना है,
ताकि उसके बाद आपकी जो क्वालिटी है ऑयल की वो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी। या एक दूसरा ऑप्शन ये होता है, कई लोग फिल्टर नहीं लगाते तो इसको फिर 3 से 4 दिन तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा ताकि ये नीचे जम जाए, फिर ऑयल आपको निकालना है। बट आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा लंबी चली जाएगी तो आप फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। सर, आप इस मशीन को काफ़ी सालों से बना रहे हैं, तो किसी आपके क्लाइंट ने, कस्टमर ने मशीन को खरीद कर अब इंस्टॉल किया तो महीने की कितनी आमदनी कर पा रहा होगा वो बताता हूँ। ये मशीन से आप मंथली 80 से 1 लाख रुपए तक आराम से निकाल सकते हो, कमा सकते हो, ठीक है, सभी खर्चे पानी काटने के बाद। काटने के बाद ठीक। और 1 लीटर में आप 30 से 40 रुपए मुनाफा कमा सकते हो। मूंगफली में 30 से 40 कमा सकते हो, सरसों में 25 से 30 रुपए आप कमा सकते हो 1 लीटर में। बात करें तो सर, जितना सीड इसके अंदर हम डालते हैं तो उसकी कितनी ऑयल की वैल्यू निकलती है इसमें? मान ली हमने मूंगफली डाला तो 100% का कितना निकल के आता होगा? मूंगफली में आपको 45% निकलता है मैक्सिमम, मिनिमम आपको 35, ठीक है। मूंगफली में वैरायटी रहती है, उसके हिसाब से आपको ऑयल मिलेगा। रेड कलर का मूंगफली जो रहता है उसमें आपको ज़्यादा ऑयल मिलेगा, ठीक है। सरसों में आपको 30 से 35%, यानी कि 300 से 350 ग्राम मिल जाएगा, ठीक है। कोकोनट में आपको 60%, यानी कि 600 ग्राम तक मिल जाएगा, ठीक है। तिल में अगर बात करें तो तिल में आपको 40% तक निकल जाता है। इसमें कोकोनट का ऑयल नहीं निकाल सकते सिर्फ हम, सिर्फ सीड्स का निकाल सकते हैं। कोकोनट आपको छोटा पीस टुकड़ा करके डालना पड़ता फिर है, निकलेगा। हाँ। अब बात आती है सर, जो हम नोजल देख पा रहे हैं, मान लीजिए हमने निकाला सरसों का ऑयल, फिर निकाला मूंगफली का, तो नोजल भी सफाई करनी पड़ेगी, तो नोजल को साफ करना कितना आसान या मुश्किल है? 1-2 मिनट में पूरा वो नोजल साफ हो जाता है। अच्छा, वो पूरा खोल के आप उसको साफ करके फिर से आप मशीन चालू कर, ठीक है। जो ये सेंसर लगे हैं और नट लगे हैं उनको हम ओपन करेंगे और उसको क्लीन कर देंगे। सर, इस मशीन को कौन कौन ऑपरेट कर सकते हैं और ये कितने फेज की मशीन है? ये जो मशीन है ये 3 फेज में चलती है और ये कोई भी चला सकता है, लेडीज भी चला सकते हैं, जेंट्स भी चला सकते हैं, ठीक है। और ये मशीन जो हमने बनाई है वो 304 फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील, ठीक है, उसमें हमने बनाई है, क्योंकि आज के मतलब जो फूड लाइसेंस फूड वालों के जो नॉब्स है उनमें स्टील कंपलसरी किया है, मतलब यूज करना, इसलिए हमने पूरा जो कनेक्टिंग पार्ट है ये SS का है, ये नोजल वगैरह ये SS का है, ठीक है। ये ऑयल का ट्रे SS का है, जो कनेक्टिंग पार्ट है वो सब पूरा SS में आएगा, ठीक है। और बात करें तो सर, इसमें क्योंकि ये फूड का काम है तो इसमें लाइसेंस किन किन की जरूरत पड़ने वाली है? इसमें एक तो जो आपको खुद का जो ब्रांड बनाना है वो ब्रांड का आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फूड लाइसेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। फूड लाइसेंस जब आपका मशीन परचेस हो जाएगा उसके बाद आपका 1-1.5 महीने में निकल जाता है, ठीक है। सिर्फ फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अब मेन मुद्दा आता है सर, मैंने सेटअप लगा लिया, मान लीजिए मैं इसकी मार्केटिंग कैसे करूँ, किन किन तरीके से मैं अपने ऑयल को बेच सकता हूँ? एक तो फर्स्ट है कि आप किसी का भी अगर रॉ मटेरियल आएगा तो उसको आप क्रश करके दे सकते हो, ठीक है। उस तरीके से आप पैसा बना सकते हो। इसमें पर केजी आप 20 से 25 रुपए चार्ज कर सकते हो सिटी में, अगर गांव में रहते हो तो 15 रुपए के आसपास आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। आप कहीं भी आपका रिटेल आउटलेट निकाल सकते हो, रिटेल आउटलेट आप कहीं भी जगह आपका सिटी में निकाल सकते हो, जहां आपका रोड टच जगह रहेगा वहां निकाल सकते हो, वहां से आपका डेली अर्निंग 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार ऐसा बढ़ता जाता है, ठीक है। और एक तरीका है कि आपका जो ब्रांड बनेगा उसका छोटा सा पंपलेट बनाओ, जो न्यूज़पेपर आपके हर घर में सिटी में जाते हैं वह न्यूज़पेपर में आप पंपलेट ये करो, उसमें सर्कुलेट करो, हर घर में आपका पंपलेट जाएगा, उससे आपका मार्केटिंग अच्छा हो जाएगा, आपको कॉल आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। और आपका ऑयल का जो सेल है वो भी बढ़ जाएगा। और ये यूनिट कितनी लेती हुई 1 घंटे में, 1 दिन की बात करें? ये 1 घंटे में अगर आप बिना रोस्टर के चलाओगे तो 1 घंटे में 4 यूनिट लेती है, अगर आप रोस्टर के साथ चलाओगे तो 6 से 7 यूनिट लेती है, क्योंकि रोस्टर जो है वो बारिश के दिनों में आपको मॉइस्चर कम करने के लिए हमने ऊपर रोस्टर दिया है, ठीक है, उसमें आप मॉइस्चर कम कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सर, जैसे कि आपने बताया कि इसमें 2 तरीके से इनकम हो सकती है, पहला तो ऑयल निकाल कर उसकी ब्रांडिंग कर लो आप रिटेल में दे दो, दूसरा आपने बताया कि लोग जो सीड लेके आएंगे चाहे वो सरसों का हो, मूंगफली का हो या काजू बादाम जो भी, तो अब दूसरा तीसरा और क्या तरीका हो सकता है? 2 तरीके तो ये हैं। तीसरा जो तरीका है इसका, जो खली निकलता है मूंगफली का खली या सरसों का खली, वो आप जो एनिमल फीड्स वाले उनको बेच सकते हो, या मूंगफली का जो खली है उसका आप बाय प्रोडक्ट बना सकते हो, मूंगफली का चटनी बन जाता है, मूंगफली का लड्डू बन जाता है, मूंगफली का चिक्की बन जाता है, ठीक। अगर कोकोनट का लेते हो तो कोकोनट का बर्फी, कोकोनट का ग्रेवी के लिए इस्तेमाल हो जाता है होटल वालों के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मूंगफली का जो खली वो
30 से 40 रुपए 50 रुपए तक मार्केट में जाता है खली। ठीक है, बहुत बढ़िया। और तो, अपना सरसों का जो खली है वो 25 से 30 रुपए केजी तक जाता है। सर ये मैं मशीन देख पा रहा हूँ, काफ़ी हैवी और अच्छे से आपने बनाई है, तो क्या इसका कोई मेंटेनेंस भी है, कुछ इसका चेंज करने लायक है कुछ ऐसी चीज़? बताता हूँ, एक तो ये जो मशीन है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है, बहुत कम, मतलब इसमें हमने पूरा, मतलब जो कनेक्टिंग पार्ट है वो एसएस में, इसलिए खाली अंदर एक वर्म रहता है। अच्छा। वो एक कैसा है, 1.5-2 साल बाद वो घिस जाता है, घिसने के बाद आपको अंदर का खाली वर्म चेंज करना पड़ेगा, बाकी मशीन में कुछ मेंटेनेंस नहीं है। ठीक है, खाली जो आपको सीट्स डालने हैं वो क्लीन करके डालने हैं, उसमें लोहे का टुकड़ा कंकट नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और सर ये जो फिल्टर हमने देखा, ये जो काम कर रहा है फिल्ट्रेशन का, क्योंकि ऑयल निकलने के बाद अगर आप 2-3 दिन तक छोड़ेंगे तो ऑयल में नीचे गाद बैठ जाती है, तो ये उसको क्लीन करता है, तो क्या ये इस सेटअप के साथ ये फिल्टर? हाँ, ये आपको ये सेटअप के साथ ये फिल्टर आएगा। ठीक है, ठीक है। फिल्टर होने के बाद आपको ऑयल जो है वो ऐसा ट्रांसपेरेंट आएगा। और जो ये ऑयल हमने इस मशीन से निकाले हैं वो प्योर आप ऑर्गेनिक ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, तो इससे कस्टमर भी आपके सेटिस्फाइड होते हैं। राइट। तो सर ये बताइए, जितनी भी तरह की सीड इसके अंदर हम ऑयल निकाल सकते हैं, उनका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा सर? ये जो रॉ मटेरियल है, एक तो एक आपको किसानों के पास मिलेगा, नहीं तो किसान मंडी में मिलेगा। किसान मंडी आपको हर जगह मिलेगी, जहां आपको जो किसान लोग रहते हैं वहां जो उनका फसल रहता है उसके वो सौदे करते हैं जी, वहां आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, मूंगफली मिल जाएगा, सरसों मिल जाएगा, ठीक है, तिल मिल जाएगा। ठीक है। और सर दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अब ज्यादातर जो ट्रेंड है ना ऑयल मिल का चला हुआ है, भाई क्यों लोग इसकी तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है लोगों का? उसका रीज़न ये है कि कोरोना काल में जो लोग हैं बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस हो गए, मतलब हेल्थ के प्रति उनका अवेयरनेस बढ़ गया है अभी लोगों का, और इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, ऑयल कौन सा भी है, ऑयल ऐसा नहीं है, ऑयल रहेगा अपना कोई भी जो चीज़ है वो प्योर प्योर मिलना चाहिए, organic. वो एक उनका ये हो गया ऑर्गेनिक स्वास्थ्य। लोगों को कोरोना के बाद पता चल गया कि सबसे बड़ी पूंजी अपना स्वास्थ्य ही है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और एक इसके बारे में बताता हूँ, मैं 7 साल से ये इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा हूँ, जो ऑयल मिल का सक्सेस रेट है वो 95% सक्सेस रेट है। अच्छा। मतलब आपने बहुत सारे बिजनेस देखे होंगे कि उसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल, लेकिन आज तक जितने भी मैंने बिजनेस में देखा है उससे बढ़िया ऑयल के बिजनेस में आपको 95% सक्सेस रेट है। इसका कारण एक ये भी है सर, डिमांड सप्लाई का, क्योंकि इसकी जो डिमांड 100 साल पहले थी वो आज भी इतनी और आगे टाइम में भी, क्योंकि फूड से रिलेटेड काम हो गया जिसकी जरूरत पड़नी पड़ने वाली है। और ये क्या है कि प्योर ऑयल होने के कारण ये आपको रसोई में इसका क्वांटिटी कम लगता है। हाँ, ये बात सही कही आपने, अगर कोई सस्ता माल लेंगे वो ज्यादा माल में डालना पड़ेगा, स्वास्थ्य भी खराब करेगा। ये महंगा मिलेगा कम भी डालना पड़ेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रखेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। और सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 2 ट्रे आपने लगाए रखी हैं और नोजल अलग अलग है, तो क्या ये पॉसिबल है हम एक ही टाइम में 2 अलग अलग सीड का ऑयल निकाल सकें? ये मशीन में आप एक साथ 2 ऑयल निकाल सकते हो, इसमें आप सरसों डाल सकते हो, यहाँ मूंगफली डाल सकते हो, अगर दोनों साइड आपको सरसों डालना है तो वो भी डाल सकते हो आप। ठीक है। और इसमें एक बात ये है कि आप मुट्ठी भर भी डालोगे तो उतना आप ऑयल निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसमें एक नोजल चला सकते हो, 2 नोजल चला सकते हो, 4 नोजल एट ए टाइम चारों भी चला सकते हो। ठीक है। तो सर इस मशीन को अगर कोई बाय करना चाहते हैं तो कहाँ पर आना पड़ेगा, क्या कंपनियां, नाम, एड्रेस और कितनी पेमेंट एडवांस देनी पड़ेगी? ये मशीन आपको परचेस करने के लिए महाराष्ट्र आना पड़ेगा, महाराष्ट्र में आपको सांगली आना पड़ेगा, सांगली जो पड़ेगा वो पुणे से 200 किलोमीटर आगे कोल्हापुर के नज़दीक पड़ेगा आपको। ठीक है। और ये मशीन बुकिंग करना है तो मिनिमम 50% एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है। और मैक्सिमम कस्टमर, मतलब हम कस्टमर को हमारा रिक्वेस्ट रहता है कि आप पहले फैक्ट्री विजिट करो, विजिट करो, आप पूरा सेटिस्फाई करो और उसके बाद आप बुकिंग करो। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी बात लगी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों का मकसद मशीन बेचने का होता है, बट सर ने कहा कि पहले आपकी तसल्ली ज़रूरी है, आप भी किसी भी काम में पहले 70% रिसर्च किया करें, सीधा ना कूदे बिजनेस में, और यही एक गलती होती है बिजनेस को फेल होने की, तो मार्केट रिसर्च करें क्या उसकी मार्केट चल रही है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, ये जो ऑयल है मैंने सिर्फ मस्टर्ड ऑयल की मार्केट देखी थी, $22 मिलियन की इसकी मार्केट है इंडिया के अंदर, और इसमें ऐसे बहुत तरह के 10-15 तरह के सर ने बताए सीड्स का ऑयल निकल सकता है, तो उसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा, जैसे हमारे हरियाणा में सरसों का तेल ज्यादा चलता है तो वो इसे निकाला जा सकता है, साउथ साइड में चले जाएंगे तो नारियल का तेल ज्यादा चलता है, तो आप कौन सी स्टेट से हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इस वीडियो के अंदर वैसे तो मैंने हर एक चीज पूछने की कोशिश की है, फिर भी आपके कोई डाउट रह गए तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, पूरी जानकारी आपको दी जा रही है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं।
मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।